संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती पर देवरी रोड क्षेत्र में नंदलालपुर डेयरी मैदान में भव्य भीम नगरी सजी। भीम नगरी में दूसरे दिन मंच पर आदर्श सामूहिक विवाह समारोह आयोजित हुआ। इस समारोह में 35 जोड़ों का बौद्ध रीति से विवाह कराया गया। संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती पर देवरी रोड क्षेत्र में नंदलालपुर डेयरी मैदान में भव्य भीम नगरी सजी है। भीम नगरी में दूसरे दिन मंच पर आदर्श सामूहिक विवाह समारोह आयोजित हुआ। इस समारोह में 35 जोड़ों का बौद्ध रीति से विवाह कराया गया। भीमनगरी में सामूहिक विवाह समारोह में मौजूद केंद्रीय भीमनगरी महोत्सव समिति के महामंत्री धर्मेंद्र सोनी ने बताया कि बाबा साहिब की जयंती पर सन 1996 से लगातार ताजनगरी के विभिन्न मोहल्लों में भीमनगरी सजती आ रही है। इस बार देवरी रोड क्षेत्र में अब तक की सबसे भव्य भीमनगरी सजी है। इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ बौद्ध रीति पर आधारित सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाता है, जहाँ एक बार में 35 जोड़ों का विवाह कराया जा रहा है। आज देखिए बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के अवसर पर यहाँ कार्यक्रम भी हो रहा है और 35 जोड़ों की शादी हुई है और उसी में हम लोग यहाँ सब शामिल हो रहे हैं। उनके आगामी जीवन को सफल बनाने के लिए सब लोग उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। इसलिए कार्यक्रम सफल हो, अच्छा हो, इसलिए मुझसे शामिल हुए। अपने समाज को संदेश ये देना चाहते हैं कि इस तरह के सामूहिक विवाह में जो है बड़े बड़े जो सक्षम लोग हैं वो भी अपना योगदान दें, मतलब योगदान का मतलब शादियाँ करें जिससे कि गरीब तबका भी प्रोत्साहित हो। भीमनगरी महोत्सव के मंच पर आए सभी मेहमानों का क्षेत्र भीमनगरी महोत्सव समिति के अध्यक्ष मुकेश कल्याण ने सभी का सम्मान किया और बताया कि उत्तर भारत में बाबा साहिब की जयंती पर सबसे बड़ी भीमनगरी ताजनगरी में सजती है। आज 36 जोड़ों की शादी है दहेज रथ बौद्ध रीति से और अभी दानदाताओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। 50 से अधिक गिफ्ट हमारे जो 36 जोड़ों की शादी होने जा रही है इनको मिलने जा रहे हैं। हम सब फूलों को ज्ञान, नारी को सम्मान, भारत देश को संविधान देने वाले परम पूज्य बौद्ध संत बाबा साहब जी के 133वीं जन्म जयंती के उत्सव अवसर पर यहाँ पे बौद्ध रीति रिवाज से 36 जोड़ों का बिना दहेज रहित शादी का प्रोग्राम रखा गया है और यहाँ जो आयोजन समिति है भीमनगरी की उनको मैं बधाई देता हूँ। अच्छा लग रहा है, बिना दहेज की शादियाँ हो रही है यहाँ पे और आप कहते हैं ये सब प्रेरणा ले इससे, जो पेरेंट्स पे दहेज का मुँह चढ़ता है, पेरेंट्स कैसे कैसे बेटियों की शादी करते हैं। मैं सबसे यही कहना चाह रही हूँ कि सब लोग इन शादियों से प्रेरणा लें। तो आज मैं इस बात की ज्यादा खुशी है कि करीब आज 20 लोगों ने कुछ ना कुछ आशीर्वाद के तौर पर इन जोड़ों को दिया है, तो ये अपने आप में एक अनूठी शादी है। भीमनगरी में दूसरे दिन ताजनगरी में विभिन्न क्षेत्रों के साथ आसपास के जनपदों से लाखों की संख्या में अंबेडकर अनुयायियों की भीड़ उमड़ पड़ी। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।